भी कर देना इफ यू लाइक माई वीडियोज। जैसे कि मेरी बेटी की जो हार्ट बीट थी थोड़ा सा बीपी हाई हुआ था, बहुत बेटी तो बहुत ज्यादा मूव करती थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल एंड मॉम। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। सो माय टुडेज वीडियोज टॉपिक इज सिम्टम्स ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी और साइंस ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हमेशा वो यही चाहती है कि उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और उसको जो बेबी हो वो भी हेल्दी रहे। सो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आप अपने आप को जज कर सकते हो कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी जो है स्मूथ जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जो हमारे स्कैन्स होते हैं उनसे भी हमें पता चल जाता है वैसे कि हमारी प्रेगनेंसी जो है स्मूथ जा रही है, या हमारे बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हमारे अंदर कोई डिफिशियंसीज के कारण कोई प्रेगनेंसी में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बट कुछ साइंस होते हैं जिनको हम खुद भी ऑब्जर्व करके ये पता लगा सकते हैं कि यस हमारी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है। सो हम डिस्कस करेंगे ट्राइमेस्टर वाइज। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो डिस्कस करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कुछ सिम्टम्स जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है और हेल्दी है। सो बेबी हार्ट बीट। सो कुछ बच्चों में जो हार्ट बीट होती है वो 6 to 8 weeks में आ जाती है। जैसे कि मेरी बेटी की जो हार्ट बीट थी वो हमने 7 week कंप्लीट होने के बाद और 8 week स्टार्ट होने पे ही अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसकी हार्ट बीट आ चुकी थी। कुछ बच्चों में थोड़ा लेट आती है, जैसे 10 week 11 week भी शायद कभी कभी डॉक्टर्स ले लेते हैं। तो अगर आपकी इतने वीक्स तक आपकी हार्ट बीट आ जाती है बेबी में, देन इट मीन्स कि आपका बेबी सही ग्रो हो रहा है अब तक और उसमें हार्ट बीट भी आ चुकी है। नेक्स्ट है नौजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस एंड वीकनेस एंड ऑल। ये सब चीजें प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती हैं और ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो और जो आपके HCG लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो उससे आपको ये सब प्रॉब्लम्स होती ही हैं और वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज होना जरूरी होता है। तो अगर आपको नौजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, वीकनेस, ये सब चीजें हो रही हैं, इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है और आपको कोई आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन लोगों को ये सिम्टम्स नहीं आते हैं या नौजिया वॉमिटिंग नहीं होती उनकी प्रेगनेंसी स्मूथ नहीं जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ ये होता ही मैक्सिमम लेडीज में होता है, 99% लेडीज में होता है कि उनको नौजिया वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस एंड वीकनेस होती ही है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो गए, आपको कोई और प्रॉब्लम हो गई है, ये नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट पॉइंट है पेट में अकड़न होना। जब हमारे यूट्रस में बेबी ग्रो करता है तो हमारे यूट्रस का जो ब्लड फ्लो है वो काफी फास्ट हो जाता है, तो उस वजह से हमें पेट में कभी कभी अकड़न जैसी भी फील होती है, महसूस हो सकती है, तो वो भी नॉर्मल है, वो भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। नेक्स्ट है वाइट डिस्चार्ज। जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जो हमारा वाइट डिस्चार्ज है वो यूजुअल से थोड़ा ज्यादा होने लगता है, तो ये भी कोई बीमारी नहीं है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये मोस्टली सभी लेडीज को होता है। आपका वाइट डिस्चार्ज का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, तो दिस इज द ऑल्सो सिम्टम ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि प्रेगनेंसी का एक रिलैक्सिंग ट्राइमेस्टर माना जाता है, कि जिसमें हम रिलैक्स करते हैं, मीन्स रिलैक्स तो नहीं करते हैं बट या फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर के कंपैरिजन एक सेकेंड ट्राइमेस्टर ऐसा होता है जो थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है। इसमें हमारी नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है और टमी भी इतना बड़ा नहीं होता है कि उठने बैठने लेटने या सांस लेने में कोई दिक्कत हो। सो इस ट्राइमेस्टर में हमें को बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बट हाँ अब हेल्दी प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि बेबी मूवमेंट, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। सो बेबी की मूवमेंट पता चलनी चाहिए मदर को कि बेबी मूव कर रहा है। सो ये मिनिमम 10 movements पर डे के हिसाब से होनी चाहिए, अगर उससे कम हो रही है तभी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। बट मैंने देखा है कि कुछ बेबी बहुत ही कम मूवमेंट कर, मूवमेंट होनी चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं कि बेबी मूव ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, तो उस केस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपका बेबी मूव कर रहा है तो इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा मूव करती थी, मतलब 10 तो इट्स वेरी लेस काउंट फॉर हर, बिकॉज वो पूरा टाइम मूव करती रहती थी, मतलब दिन में पूरा दिन भर भर में वो 30-40 बार मूव कर लेती थी। तो या मूवमेंट से ही पता चलता है कि आपका बेबी अंदर हेल्दी है और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी है।
नेक्स्ट पॉइंट है सर्विक्स शुड बी क्लोज, जो हमारे सर्विक्स का जो मुंह होता है वो क्लोज रहना चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो ओपन नहीं होना चाहिए. अगर वो ओपन हो जाता है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो अगर आपका सर्विक्स का जो मुंह है वो भी क्लोज है तो इट मीन्स यू आर इन अ गुड स्टेट. नेक्स्ट वन, जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें एक बेबी ग्रोथ स्कैन होता है हमारा. सो आपका बेबी ग्रोथ जो स्कैन है वो प्रॉपर आया है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो इट मीन्स योर प्रेगनेंसी इज गोइंग गुड. थर्ड ट्राइमेस्टर भी थोड़ा प्रॉब्लम भरा होता है क्योंकि हमारा टमी का जो साइज है वो काफी बढ़ जाता है. हमें उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है, हमें सांस लेने में भी कभी कभी प्रॉब्लम होने लगती है, हम बहुत देर तक चल नहीं पाते हैं या बहुत देर तक बातें नहीं कर पाते हैं. तो ये चीजें भी नॉर्मल हैं. अगर आपको ये सब चीजें हो रही है इट्स ओके, इट्स नॉर्मल. एंड अगर आपका बीपी नॉर्मल है, आपकी डायबिटीज नॉर्मल है थर्ड ट्राइमेस्टर में, इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी काफी हेल्दी है. जैसे मुझे मेरी प्रेगनेंसी में इनिशियली थोड़ा सा बीपी हाई हुआ था, बहुत कम. सो मेरे डॉक्टर बहुत सीरियस थी इस चीज को लेके कि आपका बीपी थोड़ा हायर साइड पे है. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरा जर्नली भी हायर साइड पे रहता है, तो जब मैंने बेबी को कंसीव किया तो वो हल्का सा हायर साइड पे चला गया. सो डॉक्टर ने काफी चीजें मुझे अवॉइड करने के लिए कहा था, तो मैंने अवॉइड करना स्टार्ट कर दी थी. तो मेरा बीपी का ऐसा मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ क्योंकि मेरे डॉक्टर ने उसको प्रॉपरली फॉलोअप लिया और उसको इंक्रीज नहीं होने दिया. तो ऐसी चीजें होती हैं, बीपी हो गया, आपका शुगर हो गया, आपका थायराइड हो गया, आपकी कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है. आपका प्लेसेंटा जो है वो एक राइट पोजीशन पे है क्योंकि इनिशियल डेज में प्लेसेंटा आपका नीचे होता है और जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो प्लेसेंटा भी आपका ऊपर की तरफ मूव हो जाता है. अगर आपका प्लेसेंटा करेक्ट पोजीशन में है तो इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है. नेक्स्ट वन है वेट गेन. सो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर आपने 10-12 केजीज वेट गेन किया है, इट मीन्स इट्स गुड और आपकी प्रेगनेंसी सही है. कुछ लेडीज होती हैं बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं, तो हमें वेट बहुत ज्यादा गेन नहीं करना चाहिए, ठीक है. तो 10-15 केज इज ओके, सो इट्स द साइन ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी. वेट गेन सही हुआ है, आपकी बम का साइज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और आपकी जो ब्रेस्ट है उसका साइज और शेप दोनों चेंज हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है ब्रेस्ट में, सो इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है. सो ये थे सब आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स. अगर आपको ये सब सिम्टम्स है इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है. मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये सिम्टम्स नहीं आते हैं, नौजिया, वॉमिटिंग या कुछ और प्रॉब्लम्स, सो इट मीन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है. उनकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी हो सकती है, ऐसा नहीं है. बट हाँ, जैसे हमें लगता है ना कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हमें कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, बट नहीं, ये एक प्रेगनेंसी का सिम्टम है. तो ऐसा प्रेगनेंसी में मोस्टली लेडीज को होता है. तो इसी टाइप से बाकी सिम्टम्स के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि ये प्रेगनेंसी में होते ही हैं. अगर ये हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है, ये हमें कोई दूसरी डिजीज नहीं हो गई है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही फील हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और इस केस में मुझे क्या करना चाहिए. इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं. सो ये थे मेरे आज की टिप्स जो कि प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. सो प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना इफ यू लाइक माय वीडियोस. सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, थैंक यू सो मच. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.